हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड. वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मी सहर फ्रॉम चैनल गर्ल अट्रैक्टिव. सो टुडे वी विल लर्न हाउ यू कैन फिल योर आईब्रोज. आई विल टेल यू सिंपल एंड इजी टेक्निक्स. विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स यू कैन ईजिली मेक योर आईब्रोज एट होम. क्योंकि अगर आप आईब्रोज फिल नहीं करते हैं, यू कैन सी राइट नाउ मेरी आईब्रोज काफ़ी गैप में लग रही हैं. इस वजह से अगर मैं अगर कोई भी मेकअप अपनी आईज पे अप्लाई करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा. डैट्स वाई वी हैव टू फिल आर आईब्रोज. सो टूडे वी विल डू टू टाइप्स ऑफ आईब्रोज फिलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम आम अपने मेकअप में यूज़ करते हैं, बट एज़ यू नो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बुशेज आईब्रोज. लेकिन हमें एशियंस पर वो ज़्यादा सूट नहीं करती. मोस्टली अमेरिकन जो होती हैं, अमेरिकन मॉडल्स, वो ऐसी बुशेज आईब्रोज को पसंद करती हैं, बनाती हैं. बट आई एम श्योर कि इन फ्यूचर यहाँ पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल आईब्रोज फिलिंग. Now you have to take this kind of spoolie brush. As you can see, अगर आपके पास ये भी नहीं है, then here is the tip for you. कि एक तो ये मार्केट से बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं. लेकिन अगर आपके पास नहीं है और कोई आपका मस्कारा ड्राई हो जाता है, तो आप उसको अच्छी तरह वॉश करें और उसका ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो वी विल कॉम आवर आईब्रोज फर्स्ट. उसको अच्छे से कॉम करेंगे ताकि हम जब फिल करें इनको तो बहुत ईजिली ये हमारी आईब्रोज में फिल हो जाएँ. सबसे पहले ये ब्रश यूज़ करेंगे, ऐसा एंगल ब्रश. आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट हेयर आई एम यूजिंग जोएवा ब्रशेस. उसमें से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इस तरह का ब्रश. तो आईब्रोज को फिल करने के लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वो है ये दिबाम की ब्रोबो पैलेट. ये इसका शेड है, यू कैन सी. अगर आपकी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा थिन हैं, लाइट हैं, देन यू कैन गो विद द डार्कर शेड. आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं या आप डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हैं. मेरी आईब्रोज एवरेज हैं, ना ज़्यादा थिन हैं और ना ही ज़्यादा थिक हैं. सो आई एम यूजिंग दिस शेड. अगर आपके पास आईब्रोज फिलिंग के लिए पैलेट नहीं है, यू कैन यूज़ द आई शेडो आई एम शोइंग यू. अगर आपके पास कोई सी भी पैलेट है और उसमें आपके पास इस तरह का शेड अवेलेबल है, देन यू कैन यूज़ दिस शेड और एज वेल ब्लैक. जैसे अगर आपकी आईब्रोज थिन हैं तो आप ब्लैक यूज़ करेंगे, और अगर आपकी आईब्रोज डार्क हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, तो यू कैन यूज़ दिस ब्राउन शेड. सबसे पहले हम इस अपने ब्रश को वेट करेंगे, क्योंकि वेट करके अप्लाई करने से, स्पेशली पाउडर शेड अप्लाई करने से, वो फॉल आउट नहीं होता और इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग रहता है. पहले मैं पैलेट से ही करना चाहती थी आईब्रोज फिलिंग, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव नॉट द आईब्रो पैलेट. सो मैं इससे अप्लाई करूँगी. मैंने ब्रश को पहले वेट कर लिया था. एज यू कैन सी, मैं इस शेप में इस तरह ब्रश को पकड़ूंगी और आईब्रोज के मिड से स्टार्ट करूंगी और अपना ब्रश मैं पीछे की तरफ मूव करती जाऊंगी. यू कैन सी ब्राउन को अप्लाई करने से आपकी आईब्रोज काफ़ी नेचुरल दिखती हैं, बट इफ़ यू विल अप्लाई डार्क ब्लैक एंड ब्राउन, तो वो काफ़ी मैसी सा लगेगा और वो ओवर लगेगा. और ब्रश पर मैंने न्यू प्रोडक्ट नहीं लगाई, मैं जस्ट उसी को पीछे की तरफ मर्ज करती जा रही हूँ. लास्ट में हम अगेन इसे कॉम करेंगे, देन इवनली और इक्वली ये हमारी आईब्रोज में फिल आउट हो जाएगा. एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ आईज, ये कितनी खिली खिली सी और नीट आंख लग रही है, और मेरी दूसरी आंख जो है वो काफ़ी डल डल सी फील हो रही है. मैंने हालांकि कोई आई शेडो भी अप्लाई नहीं किया हुआ आईज पर. यू कैन सी काफ़ी अच्छी मेरी आईब्रोज जो हैं वो फील हो गई हैं. ठीक है, राइट. यू विल ऑल्सो डू द सेम लाइक मी. अब हमने ब्रश का मुंह इस तरफ को कर लेना है. पहले हमारा ब्रश का फेस इस तरफ था, नाउ वी विल टर्न आवर ब्रश लाइक दिस. और अगेन हम अब मिड से स्टार्ट करेंगे और अपने ब्रश को पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे. यू कैन सी कितने अच्छे से हमारी आईब्रोज की फिलिंग हो रही है, और ऐसे इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल करते जाएंगे. और सबसे लास्ट पर हम अपनी आईब्रोज को फ्रंट से फिल करेंगे, राइट. ये देखें ऐसे, इस तरह हमारी आईब्रोज अच्छे से फिल हो जाएंगी. लुक कैसा. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अगेन हम ये स्पूली ब्रश लेंगे और इसकी हेल्प से हम अपनी आईब्रोज को कॉम कर देंगे, ताकि जो हमने आई शेडो अप्लाई किया है अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए, वो इवनली हमारी आईब्रोज में मर्ज हो जाए. यू विल टेक दिस फ्लैट ब्रश. मैंने ये जोएवा के ब्रश इस सेट में से इसको निकाला है. एंड आई विल ऑल्सो टेक दिस कंसीलर. आई एम हैविंग मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर. यू कैन यूज़ एनी इफ यू हैव. मिस रोज़ का तो सभी के पास होता है, बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल. तो आप मिस रोज़ का यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हेयर इज़ अ टिप फॉर यू. अगर आपके पास कंसीलर नहीं है,
यू कैन यूज फाउंडेशन ओके फॉर कंसीलिंग योर आईब्रोज. आईब्रोज को कंसील करने का मकसद ये है कि इससे हमारी आईब्रोज की ये देखें जैसे कोई शेप ये ऊपर नीचे हो रही है तो इससे बिल्कुल जो है हमारी आईब्रोज नीट हो जाएंगी. तो बेसिकली कंसीलर लगाने का पर्पस है कि हमने अपनी आईब्रोज को नीट करना है. ठीक है, यू कैन यूज़ एनी कंसीलर एनी फाउंडेशन यू हैव एट होम, लेकिन वो ज़्यादा लिक्विडी रनिंग फॉर्म में नहीं हो, थोड़ी सी थिक हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो और आप अप्लाई करें और वो आपकी आँखों के अंदर जा रही हो, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी ना हो इसकी. सो थोड़ी थिक फॉर्म में हो, यू कैन यूज़ इट. जो मेरा शेड है वो है फेयर क्लियर विच आई विल यूज़ टुडे. ये कुछ ऐसे दिखता है, ये तो मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, ख़त्म भी हो गया. तो इसको आप नीचे से ऐसे राउंड वे में ऐसे मूव करेंगे तो ये ऊपर से बाहर आएगा. इसको हम ब्रश की टिप पर लेंगे. सो इसको हम अपनी आईब्रोज के साथ साथ स्टॉकिंग वे में फिल करेंगे, इससे हमारी आईब्रोज में नीटनेस आ जाएगी. ठीक है, सेम इसी वे में हम इसको आईब्रोज के ऊपर वाली साइड पे भी लगाएंगे, जस्ट लाइक एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे हम दोनों तरफ से अपनी आईब्रोज की, ताकि जो और गर्ल्स अगर आपसे आईब्रोज पे फिलिंग करते वक्त ऊपर शेड लग जाता है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है. और अगर जब आप आई शेडो अप्लाई करते हैं उससे पहले अगर इसको एज अ बेस आप कंसीलर को अप्लाई कर लें अपनी आईज़ पर, और लाजमी नहीं, मैं फिर कह रही हूँ लाजमी नहीं कि यही कंसीलर आपने यूज़ करना है, यू कैन यूज़ एनी जो भी आपके पास है घर में. तो अगर आप उसको एज आई बेस अप्लाई कर लेते हैं तो आपके आई शेडोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होंगे, उसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. अब सेम उसी वे में जैसे मैंने उस आंख पे किया था, आई विल ऑल्सो नीड माई दिस आईब्रो, इसको भी कंसील करूँगी अच्छे से और अपने ब्रश को पीछे की तरफ मूव करती जाऊँगी. तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड जिससे हमने अपनी आईब्रोज की फिलिंग की. होप यू लाइक दिस मेथड. सो उसके बाद लास्ट स्टेप आपने जो करना है, यू विल टेक दिस काइंड ऑफ फ्लफी ब्रश. मैं यहाँ पे भी ज़ोएबा के ब्रशेस में से यूज़ कर रही हूँ. सो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रश एट होम जिसको ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं. तो इस तरह का आप एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. तो उससे मैं इसको अपनी आँख पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर दूँगी. इसका पर्पस ये है कि जो हमने कंसीलर अप्लाई किया है वो क्रैकी ना हो, तो उसके लिए हम इसको अपनी आंख पे डैबिंग वे में अप्लाई कर लेंगे, इससे हमारा कंसीलर सेट हो जाएगा. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर फर्स्ट मेथड. होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लेट मी नो. अब हम ट्राई करेंगे आवर सेकंड मेथड. सो बुशी आईब्रोज बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है ऐसा स्पूली ब्रश, और सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है हमारे पास सेटिंग स्प्रे, जो कि मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का एलोवेरा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है देन आई थिंक हेयर स्प्रे तो सबके पास होगा. यू कैन यूज़ द हेयर स्प्रे, आप उसको ब्रश पे अप्लाई करें और उसके बाद हम कॉम्ब करेंगे. सो सेटिंग स्प्रे के साथ मैं अच्छे से अपने ब्रश को गीला कर लूँगी एज यू कैन सी. उसके बाद हम अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ कॉम करेंगे. ये ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं लाइक दिस. अब हम कंसीलर लेंगे और उससे अपनी आईब्रोज को कंसील कर देंगे दोबारा जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था. तो इससे जो हमारा आई शेडो ऊपर की तरफ फैला है वो नीट हो जाएगा. ठीक है, सेम इसी वे में मैं नीचे से भी उसको कंसील कर लूँगी. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. यू कैन सी गर्ल्स कैसी मेरी आईब्रोज की अच्छी सी फिलिंग हुई है. आप बिफोर और आफ्टर दोनों देख सकती हैं. सो अगर आपको मेरी आईब्रोज को फिल करने की टेक्निक अच्छी लगी है देन लाइक माई वीडियो. ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सर्कल ताकि उनको भी ऐसी अच्छी सी आईब्रोज की फिलिंग करने की टेक्निक्स पता चल जाए. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि मेरी नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो. होप यू लाइक it till then another video. Allah Hafiz. Bye bye.